गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आपका नाम? सुमन। मैम कहाँ से आए हैं आप? यूपी अमरोहा से। किस तकलीफ़ के साथ आए हैं यहाँ पे? मैम मेरी कमर से लेके पैर पूरे उसमें रहता था, पैर में। हाँ उस और चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ़ होती थी, बैठने में भी लेटने में भी। मैं लेट भी नहीं पाती थी, तो फिर मतलब मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, दवाई भी खाई, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कब से तकलीफ थी आपको ये? पिछले 1 महीने से है। पिछले 1 महीने से, ठीक है। कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कुछ करवाया आपने? TMU में और मुरादाबाद में है। कई सारे डॉक्टरों को दिखाया मतलब, और अमरोहा में भी कई सारे डॉक्टरों को। और हाँ यहाँ IPSC के बारे में कैसे पता चला आपको? हमारे गांव के तहेरे भाई आए थे यहाँ 7 साल पहले, तो फिर उन्होंने बताया हमको कि वहाँ पे चले जाओ, वो जैसा भी होगा वो सर बता देंगे। तो आपका प्रोसीजर क्या है, आपको मालूम है क्या तकलीफ? मतलब मेरी डिस्क की प्रॉब्लम थी, उसमें मतलब वो टूट के और साइटी का जो नस है उसको दबा रही थी, जिस वजह से मेरे पूरे पैर में दर्द होता था। बैठने उठने में कोई तकलीफ नहीं थी? कम था ज़्यादा था? बहुत होता था मतलब, मुश्किल से 5 मिनट बैठ पाती थी, फिर दर्द होने लगता था तो लेटने का मन करता था, फिर साइड से ही लेट जाता था, सीधे भी नहीं लेट जाता था। पैर में झनझनाहट होने लगती थी और जलन सी पैर में, फिर दर्द होने लगता था। तो यहाँ किसके अंडर का ट्रीटमेंट चल रहा है? पंकज सर का। डॉक्टर पंकज सुरंगी सर के अंडर। अच्छा, यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिस वगैरह कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं स्टाफ हमारी? बहुत अच्छा है, फैसिलिटी भी अच्छी है। किसी और को मेडिकल हेल्प चाहिए तो उसे हमारा नाम, IPSC का नाम रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ मैम, अगर कोई मेरे जैसा ही ऐसा केस हुआ तो मैं बता दूंगी उनको। ठीक है, थैंक यू। आप भी कुछ बताना चाहेंगे सर? आप कौन हैं इनके? मैं ब्रदर हूँ इनका। ब्रदर है। आपको कैसे पता चला IPSC हॉस्पिटल के बारे में? वही जब इन्हें काफ़ी पेन था तो इधर उधर इनके ट्रीटमेंट के बारे में मालूम कर रहे थे, तो जब MRI कराई थी TMU हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला था कि आप जो है किसी अच्छी जगह है जैसे दिल्ली या देहरादून, जोली ग्रांट या एम्स में, वहाँ पर संपर्क करो उसके ऑपरेशन के लिए। लेकिन ऑपरेशन हमें कराना नहीं था क्योंकि एज अभी इतनी है नहीं, आगे काम भी करना और भी सब चीज़ें, तो ऑपरेशन की इच्छा थी नहीं। तो फिर एक भैया से मिले, वो पुलिस में हैं, तो जब आपका सेक्टर 7 में था ये हॉस्पिटल, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट दिलवाया, उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप पंकजन सुरंगी सर से मिल लो, कि वो इसके बारे में जो भी है वो सही चीज़ बताएंगे, ट्रीटमेंट उनके अंडर है या इसके आगे कुछ करना कुछ। तो हम यहाँ आ गए और उन्होंने जो है बताया कि इसकी एंडोस्कोप सर्जरी होगी, मतलब बहुत सिरिंज के द्वारा वो जो टुकड़ा निकाल दिया जाएगा बिना किसी दिक्कत के, और यानी कि विदाउट ऑपरेशन, और हमारी जो है नर्स भी जो है उसमें ब्लड का फिलअप हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे। यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी लगी, डॉक्टर्स नर्सिस वगैरह? काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ अदर हॉस्पिटल के मुकाबले, सब चीज़ बहुत अच्छी। क्या अगर किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए हो तो उन्हें हमारे हॉस्पिटल IPSC का नाम बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम। थैंक यू सर, थैंक यू।